आप जानना चाहती है ना कि किस हक से? क्या मेरी होने वाली मंगेतर को इतना भी हक नहीं? अगर उसे किसी बात का बुरा लगा हो तो वो मेरे गले लग सके। क्या क्या कहा तुमने? थोड़ी देर हो गई मां मेरे कहने में, एक्चुअली मेरे समझने में, लेकिन अब सब क्लियर है। मैं अमृता को अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहा हूं। मां, मीट योर डॉटर इन लॉ। अब हम धनु मां से कह देते हैं कि वो छुट्टी पर जाने का विचार छोड़ दे। बहुत काम रहेगा इस घर में अब, क्योंकि इस घर में सगाई होने जा रही है। और तुम कोई लंदन से नहीं आई कि तुम्हें यह बताने की जरूरत पड़े कि इस हवेली के नौकर नौकरानियों को इस हवेली के अंदर कहां तक घुसने दिया जा सकता है। आज किसी को बाहर नहीं जाना है तो फिर क्यों अपनी परछाई हवेली की दीवार पर डाल रही है? चल जा यहां से। आप इतने आप कहीं जा रही हैं? हाँ मोड़ी, लेकिन जाने से पहले तुमसे गले मिलकर भूल चूक माफ करवाने नहीं आए हैं, चेताने आए हैं तुम्हें। लौट जा। जिस रास्ते पर चलना शुरू किया है ना, अगर अभी भी उतर से पलट कर लौट जावेगी तो भले में रहेगी। तुम जानती नहीं हो कि किस भंवर में उतर रही हो तुम। अगर आज हमारी बात मानी तो भगवान के पैरों में हमारी फोटो रख के उम्र भर हमारे आगे भी हाथ जोड़ेगी, और अगर ना मानी तो जितनी भी जिंदगी जिएगी आंसू ही पिएगी। ये बढ़िया कील प्लान, चुन चुन कर इसके बालों को लगा दे, एकदम रंगीली रानी लगे कि हमारे सिर में लगा लगा लाल क्लिप लगाएंगे हमारी मोड़ी को। ये तीरा पिया लगा लगा लगा। अरे काम कर रहे हो, बस करो, हिलाओ मत इसे। अरे सगाई सड़ू ठाकुर माले को तितली ठकराएंगे, हमको ऐसे सजा रहे हो जैसे हमारी सगाई हो रही हो। माई 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 हाँ लाई ले, जे ले सुरेखा चाची से लाली ले आई हूँ। लगा दे, लगा अच्छी तरह से। हाँ लगा चाहिए ना कि तुम उनके परिवार की होने वाली हो। पीपली वाली चुड़ैल लग रहे हम।
हमको देख कर सब भाग जाएंगे सगाई में से। अरे काकरे! अरे हमारे, अरे रहने देना बॉडी। अरे का कर रही है, सवेरे से लगे थे सजाने में। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अच्छा देखे तो। अरे हाँ, बात तो सच कह रही है मोड़ी। देखा हमारी सुगनी लीपा पोती के बिना ही कितनी सुंदर लगती है। ये तो ठीक है, पर पहनेगी कहाँ? अपने कपड़ों में से कछु पहन लेंगे। रुको एक मिनट देखते। आज यही पहन ले, अभी पहनने के लिए यही रह गया है। और कटवा दे अपने ठाकुर मालक की नाक। तुम्हारे को ऐसा देखकर कहा बोलेंगे लोग कि ठाकुर मालक दुनिया का भला करने के लिए निकल लिए, पर एक भिखारी के मौड़ी से ब्याह करके उसको ठकुराइन बना रहे। ससुरा का देड़ों की फौज धूल में मनाए मौत। अच्छा वाला ढूंढते हैं। ए नगरिया, तुम्हारे माई जो ब्याह में साड़ी दी थी वो लाके दे हमारे मौड़ी को। जा है? अरे का कह रहे हो? ना हम ना देंगे, हमारी माई की आखिरी निशानी है वो। कहीं कहीं साड़ी फट फट आ गई तो? अरे एक मिनट। अरे हम का जरूरी बात कर रहा ना। कपक लेट हो गई ना, हाथ में सिक्का दबा कर बैठी हुई है और बदले में जो आते हुए जो नोटों की गड्डी वो गवा रही है। अरे जे मौका है उधार चढ़ाने का, अब भाई देगी तो इतना पाएगी कि नई छह साड़ी और 12 नहीं मां आ जाएगी उत्ते में। हाँ। अरे तो हम कब मना किए, अरे हम कब मना किए देने के लिए। अरे हमारी माई स्वर्ग में लुढ़कती है तो लुढ़कने दो, जे धरती पे तो हमारी बिटिया को हमें पहले देखना है ना। हाँ ठीक बोल रही ससुरी। हाँ बिटिया, हम लाएंगे ना साड़ी, अभी अभी लाते हैं। जाना लेकर आ। हाँ लेकर आते हैं। अरे हमने सुना है कि सुगनी को ठाकुरों की हवेली में छोटे ठाकुर मालक की सगाई में बुलाया गया है। काहे सुगनी, कौन से गाने पर नाचेगी? मतलब? अरे मतलब का, एक बेलनी को सगाई पर राय के लिए बुलाया होगा ना। अरे नहीं नहीं काकी, सुगनी जी राय करने नहीं जा रही है, हवेली में खास मेहमान बनकर जा रही है। विक्रम ठाकुर मालक ने बुलाया है। तुम मुंह बंद नहीं रख सकती का अपना। ओहो, ठाकुरों की हवेली में एक बेड़नी मेहमान, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, हमें भी तो 3-4 ठाकुरों ने मान सम्मान देकर अपने घर बुलाया था और गई तो थी मेहमान बनकर उनके हवेली में, पर उत्ते जाकर उनके एक सूने पड़े कमरे की एक रात के लिए रौनक बन गई। ओहो, इसलिए बुलाया गया है सुगनी को। अरे सुगनी, बहुत बढ़िया मौका है, बड़े बड़े ठाकुर मालक आएंगे, जितना हो सके लपेटे में ले लेना। हाँ हाँ, और हमें भी आकर बताना कि कितने कमा कर लाई। चलो। समझ में नहीं आता है क्या बोलना है कानी? मुंह में कीला रख के ठोक देंगे। अरे जीजी चुप हो जाओ, जिसकी जैसी सोच वैसे भगवान दिखे। और सुगनी चल जल्दी तैयार हो, तुझे वो बढ़िया वाली चीज भी तो खरीदनी है ना सगाई में देने के लिए। चलो चलो जल्दी निपटाओ। लेकर नमस्ते।
नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। विक्रम, हम हैरान हैं। एक बेटनी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए तुम्हारे सामने तुम्हारे पुराने रिश्तेदार, नमस्ते, तुम्हारे संबंधी और बड़े बड़े ठाकुर भी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे। हैरान हम भी हैं जी। जी इतने बड़े बड़े ठाकुर और ठाकुराइन हवेली में आ रहे हैं और आपका ध्यान यहाँ पे लगा हुआ है कि हमारा ध्यान कहाँ पर है? प्यार से नहीं हो सकता तो कम से कम इज्जत से पेश आइएगा सुगनी के साथ आज के दिन पे। तुम रास्ते के पत्थर को गले लगा सकते हो पर हम उसे अपने मुकुट में नहीं सजा सकते। मेला नौटंकी ना है, ठाकुरों की सगाई है। जब औकात ही ना थी लाने की तो काहे बेकार नाम किया।